दिखाओ अपने हाथों को ऊंची आवाज में, गैर भाषा में प्रार्थना करेंगे हर एक जन। जितने पवित्र आत्मा से भरपूर होना चाहते गैर भाषा में ऊंची आवाज में, ना कोई होना जो होवे में तो बोले कोई ओ कर दे ना माफे लहू ओदा थोके मैनू कर देना सा होवे में तो बोले कोई ओ कर खुदावंद। आज जितने लोग तेरे वचन को सुने उनकी लाइफ सेम ना रहे, आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी है। आज हम वचन को सुनेंगे मत्ती एक अध्याय पूरा और मत्ती दो अध्याय पूरा। इसलिए आज मैं आपको एक जगह पे रह के वचन को सुनाऊंगा, क्योंकि आपको नोट करना पड़ेगा आज का वचन। अपने पड़ोसी से पूछो, क्या तू चाहता है परमेश्वर तेरी सुरक्षा करे? क्या तू चाहता है कि परमेश्वर तेरा ध्यान रखे? तो परमेश्वर उनका ध्यान रखते हैं जो उसके वंश के होते हैं। आमीन। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, मैं तेरा ध्यान रखूंगा, मैं तुझे सुरक्षित रखूंगा, जो तुझे कोसेगा मैं श्राप दूंगा, जो तुझे आशीर्वाद देगा मैं उसे आशीषित करूंगा, तू अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। और बाइबल कहती है इज़राइल के ऊपर, अब्राहम के वंश के ऊपर कोई भी दुश्मन कभी भी कब्जा नहीं कर सका। बाइबल कहती है कि जब अब्राहम के भतीजे लूत को उन राजाओं के द्वारा बंदी बना लिया गया था कि जो राजा बड़े बड़े राजाओं को मार कर जा रहे थे, अब्राहम ने सिर्फ 318 शिक्षित मारने वाले अपने कुटुंब के लोग, अपने परिवार के लोग, अपने ही स्टाफ को साथ लेके जाके उन राजाओं को मारकर अपने भतीजे लूत को छुड़ाया था। उसकी स्ट्रेंथ के कारण नहीं, इस कारण नहीं कि वो बहुत युद्ध में कौशल थे या बड़े अच्छे थे लड़ने में, इस कारण कि बाइबल में परमेश्वर ने अब्राहम को छुड़ाने का और उसके वंश को बचाने का वायदा किया। इसलिए पवित्र वचन कहता है कि जब 18 की कुबड़ी औरत परमेश्वर के पास आई तो परमेश्वर ने एक वचन को बोला कि क्या ये सही नहीं था कि जो अब्राहम का वंश 18 से जो शैतान के बंधन में थी आज सब्त के दिन छुड़ाई जाती। हालेलुया। क्योंकि सदूकी और फरीसी परमेश्वर का विरोध कर रहे थे कि सब्त के दिन तुम्हें चंगा करना उचित नहीं, लेकिन बाइबल कहती है आज भी वो सदूकियों और फरीसियों की आत्मा दुनिया में काम करती है। उन्होंने चोला तो परमेश्वर के लोगों का ही पहना हुआ है, बल्कि और अच्छे कपड़े पहनते हैं, लेकिन बाइबल कहती है वो सदूकियों और फरीसियों का आत्मा आज भी उन लोगों के अंदर काम करता है, और आज भी जो लोग आत्मा के अनुसार चलते हैं उनका विरोध करता है। अगर आप ये चाहते हैं कि परमेश्वर आपका ध्यान रखे, वो आपके परिवार का ध्यान रखे, वो आपको इग्नोर ना करे, वो आपको ब्लेस करे, आज का वचन जो थोड़ा लंबी आयते हैं इसलिए मैं बैठ के आपको दे रहा हूं, तो आपको बड़े ध्यान से उसे समझना होगा। जब मैं परमेश्वर में पहली बार गया, पहले दिन चर्च, तो मुझे एक नीले रंग की बाइबल, छोटा नया नियम दिया गया था, और मुझे ये कहा गया कि मत्ती की एक बाब से जब तुम पढ़ोगे तो 18 से पढ़ना, 1-17 पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1-17 में सिर्फ वंशावलियां लिखी हैं कि किससे कौन पैदा हुआ, किससे क्या पैदा हुआ। लेकिन जब मैं मसीह में बड़ा हुआ, जब मेरी मसीह में उम्र बीतती गई, तो मुझे ये मालूम हुआ कि बाइबल में एक भी शब्द, एक भी कोमा अगर बाइबल में लगा है उसका बहुत बड़ा महत्व है। अगर आप इफ़सियां 5:17 में पढ़ें जहां परमेश्वर ने कहा है कि तुम प्रभु की इच्छा को समझो, निर्बुद्धि ना हो, दाखरस के मतवाले ना हो, अगर आप इफ़सियां 5:18 पढ़ेंगे तो आपको 18 खत्म होने के बाद फुल स्टॉप नहीं दिखता, कोमा दिखता है। कोमा का मतलब है वचन खत्म नहीं हुआ। अगर परमेश्वर ने आपको बोला है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, तो ये आपकी जिम्मेवारी है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना।
जो लोग परमेश्वर को बोलते, परमेश्वर तू मुझे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण क्यों नहीं करता, तू मुझे पवित्र आत्मा से क्यों नहीं भरता, जबकि वचन क्या कहता है, पौलुस कहता है कि तुम दाखरस के मतवाले ना हो, यानी कोई भी ऐसा काम ना करो जो शारीरिक हो, और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। और आगे कोमा है, 19 आयत जब शुरू होती है तो 18 आयत खत्म होने के बाद कोमा लगा, बिंदु नहीं लगा, फुल स्टॉप नहीं लगा, जिसका मतलब यह है परमेश्वर ने आपको बीच में नहीं छोड़ा। अगर वो आपको जिम्मेवारी देता है कि पवित्र आत्मा से तू खुद भरना है, मैंने नहीं भरना, तो 19 आयत में लिखा है कि आपस में भजन, स्पीकिंग टू योरसेल्फ, इंग्लिश में और अच्छा लिखा है कि इंग्लिश में लिखा है कि अपने आप से भजन संहिता से बात करना, अपने आप से खुदा के वचन में से बात करना, अगर तुझे पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होना है। मैं आपको सिर्फ एक कोमा की बात बता रहा हूं, ये 18 आयत के बाद कोमा इसलिए लगा, खत्म इसलिए नहीं हुआ कि 19 आयत में परमेश्वर ने आपको बताया है कि आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए वचन में से बात करनी होगी। आप कैसे बात करते हैं, ओ मेरे पास आज तनख्वाह नहीं मिली, आज मेरे घर में घटी है, आज मेरा सिर दर्द है, आज मैं बीमार हूं, लेकिन वचन क्या कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। बटुए में पैसा है या नहीं है, अगर आप ये बोलेंगे आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण पाएंगे अपने आप को बहुत जल्दी। और उसी तरह से उसने कहा अपने आप से बात करनी भजन संहिता में से, कि अपने सिर दर्द को देखोगे या ये देखोगे बाइबल में लिखा कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। आपको अगर आप वो बोलेंगे जो बाइबल में लिखा है और अपने आप से बात करेंगे रोज, तो वचन कहता है आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे। याद रखो हर एक लाइफ में एक ब्रेक थ्रू, एक मोड़ आता है, वो मोड़ है एक दाऊद का गोलियत को मारना। सबसे इंपॉर्टेंट टाइम अगर आप दाऊद की जिंदगी में देखेंगे तो वो गोलियत को मारना था। जैसे ही दाऊद ने गोलियत को मारा, वचन ये कहता है कि परमेश्वर ने उसे पूरे इज़राइल में मशहूर कर दिया और धीरे धीरे राजा होने के लिए उसका अभिषेक किया, उसको आगे किया, अपनी योजना को उसकी जिंदगी में पूरा किया। बाकी लोग गोलियत को क्यों नहीं मार सके, बाइबल कहती है कि सारे लोग जो इज़राइल की सेना में थे, शाऊल राजा समेत, जब गोलियत आके ललकारता था उनको, तो बाइबल कहती सब उससे डरते थे, कोई उसके सामने नहीं आ रहा था, लेकिन एक ही जन उसके सामने आया और कहा कि मैं इस खतना रहित पलिश्ती को मार सकता हूं। एक ही जन था जिसमें गैरत जागी और वो था दाऊद। रीजन क्या था, क्योंकि दाऊद पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। आप जब भी दाऊद की जिंदगी को देखेंगे, आप देखेंगे कि दाऊद ने कभी भी अपने दिल की बात को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। अगर वो डर रहा था शाऊल के मौत के, शाऊल से मौत के डर के मारे भागा जा रहा था, तो मुंह से ये नहीं कहता था कि मेरे अंदर डर है, मुंह से ये कहता था मैं ना डरूंगा, परमेश्वर मेरे साथ है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। घटी में रहता था, जंगलों में रहता था, लेकिन ये कहता था यहोवा मेरा चरवाहा है। जब धूप लगती थी बोलता था वो मेरे जी में जी लेके आता है। और इसीलिए बाइबल कहती है कि दाऊद पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति था। क्यों परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करना चाहता है, वो इसलिए आपको परिपूर्ण करना चाहता है कि वो आपकी लाइफ का गोलियत, आपके सिर, जो आपके सिर से ऊपर, आपके कंध से ऊपर, आपके जीवन से बहुत एक अधिक बड़ा है और वो आपको चैलेंज कर रहा है। परमेश्वर ये चाहता है आपका वो गोलियत आपके पांव के नीचे आए, शैतान की तरह जो आज आपके पांव के नीचे है। लेकिन कैसे होगा, बाइबल कहती है जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है वही शैतान को हरा पाएंगे, जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं वही डेवल को हरा पाएंगे। इसीलिए दाऊद गोलियत को मार पाया क्योंकि वो सब भाइयों से अलग था, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, वो बातें नहीं कहता था जो उसके दिल में आती थी, जो सर्कमस्टेंसेस चलते थे, जो परिस्थितियां चलती थी, लेकिन वो बोलता था जो परमेश्वर का वचन उसे बोलने के लिए कहता था। हालेलुया। और जब एक बार आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं, उसका एक मकसद है। दाऊद राजा नहीं बन सकता था अगर वो लोगों की निगाह में नहीं आता तो। लोगों की निगाह में आने के लिए उसका एक ऐसा काम करना जरूरी था जो लोगों को शॉक कर दे। वो काम कभी नहीं हो सकता था अगर दाऊद पवित्र आत्मा से परिपूर्ण ना होता।
दाऊद पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कभी ना होता अगर वो परमेश्वर के वचनों को अपनी लाइफ की विपरीत परिस्थितियों में बोलना ना जानता। हालेलुया, कितनों को समझ आ रही है आज का वचन। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे परमेश्वर ने काम रखे हैं जो आप जैसे ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे वो विक्ट्रीज, वो जीत आपको मिलती है। मैं बहुत सारे लोगों को बोलता हूं, आप गलती करते हैं अपने परिवार को, अपना परिवार मतलब अपना जो क्लोज परिवार होता है, माँ बाप भाई बहन पत्नी बच्चे, आप गलती करते हो जो बाइबल लेके उनसे बहस करते हो, उनको बताने की कोशिश करते हो कि यीशु मसीह परमेश्वर है। क्योंकि कई आशीषें आपकी ऐसी होती हैं, आपके परिवार की कई साल्वेशन ऐसी होती हैं जो आपकी ब्लेसिंग्स को देख के होती हैं। आपका परिवार कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जो आपके ऊपर जब तक खुदा का हाथ नहीं देख लेते तब तक वो परमेश्वर में नहीं आते। इसलिए बहुत से लोग अपनी फैमिली की साल्वेशन का इंतजार करते रहते हैं, अपनी फैमिली से बहस करते रहते हैं, भाई साहब आप प्रभु में क्यों नहीं आते, बहन तू प्रभु में क्यों नहीं जाती, लेकिन वो ये कभी नहीं सोचते। बाइबल कहती है तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। और बचना कैसे है? बाइबल कहती है जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण ही नहीं हुआ वो अभी तक मेरे ख्याल में तो बचा नहीं है, और बाइबल के वचन के मुताबिक भी वो बचा नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ये चाहता है कि आप लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो, ताकि आपकी लाइफ का गोलियत जब मरे, आपकी लाइफ में एक बड़ी टेस्टिमनी पैदा हो, आपका परिवार मसीह में आए, समाज मसीह में आए, लोग आपको स्वीकार करें, परमेश्वर की मर्जी और उसका प्लान आपकी लाइफ में पूरा हो, और आज रात को खुदावन का आत्मा आपको विजन देगा, एंजल आपको दर्शन देंगे, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करेंगे। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। वो अपने वंश को पवित्र आत्मा से भरता है, लेकिन कौन सा वंश? जब मेरे को बाइबल दी गई तो बोला 1 से 17 आयत मत पढ़ना, लेकिन जब मैंने पढ़ा तो सारे भेद ही उसमें, खजाने उसमें छुपे हुए। अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली, मत्ती 1:1। 2 आयत में लिखा अब्राहम से इजहाक उत्पन्न हुआ, इजहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए। अब्राहम से लेकर दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई। दाऊद से लेकर जब बेबुलीन ने उनको बंदी बना लिया 14 पीढ़ी हुई। बंदी बनाने के बाद मसीह के जन्म तक 14 पीढ़ी हुई। इसलिए मैं कहता हूं वो पीढ़ियों को कंट्रोल करता है, वो पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करता है, वो छोटी से छोटी चीज का भी ध्यान रखता है, वो आपका ध्यान क्यों नहीं रखता होगा? अब्राहम से लेकर दाऊद तक 14 पीढ़ी। 17 आयत पढ़ो, इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी, दाऊद से बेबुलीन को बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी, बंदी होकर बेबुलीन को पहुंचाए जाने के समय तक मसीह तक 14 पीढ़ी। एक एक सेकंड खुदावंद के कंट्रोल में है। आपकी लाइफ, आपका फाइनेंस, आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपकी हर एक चीज परमेश्वर के हाथों में है। अगर आप परमेश्वर में सही रीति के साथ चलते हैं आप सेम नहीं होंगे। वो आपका ध्यान रखेगा, वो आपको बचा के रखेगा, उचित समय पर आपको बढ़ाएगा भी, गवाहियों के साथ लेके भी आएगा। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी है। अब यहां पे लिखा अब्राहम से इजहाक और इजहाक से याकूब उत्पन्न हुआ। अब्राहम से इश्माइल क्यों नहीं लिखा? इजहाक से एसाव क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इजहाक के 2 बच्चे हुए थे, एसाव और याकूब। लेकिन जब वंशावली लिखने का समय आया कि किस वंशावली से जीसस क्राइस्ट पैदा होंगे, तो एसाव का नाम वहां नहीं था। क्योंकि बाइबल कहती है जब उसका भाई दाल पका रहा था, रोटी पका रहा था, तो एसाव उसके पास आके बोला हे भाई ये रोटी और ये दाल मुझे दे दे, मैं भूख से मर रहा हूं। याकूब ने कहा अगर तू पहलौठे होने का अधिकार मुझे बेच दे, क्योंकि वो था तो जुड़वा लेकिन पहले पैदा हुआ था, तो टेक्निकली बड़ा भाई था, तो उसने कहा कि अगर तू अपने बड़े होने का पद मुझे बेच दे तो मैं ये रोटी और दाल तुझे दे दूंगा। उसने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, बड़े होके भी तू मैं क्या कर लूंगा, मैं धनुष चलाने वाला, बड़ा ही तेज,
मर्दाना इंसानों मुझे कुछ जरूरत नहीं, ताकतवर इंसानों ले पहलोठे होने का पद तेरा, ये मेरे को दाल और तू रोटी दे। और बाइबल कहती वो खाकर अपने पहलोठे होने के पद को तुच्छ समझ कर चला गया। और जब वंशावली लिखने का समय आया तो परमेश्वर ने याकूब से उत्पन्न होने का फैसला किया। बाइबल कहती याकूब से यहूदा, यहूदा के वंश से जीसस क्राइस्ट पैदा हुए। और इसीलिए एसाव का नाम वहां नहीं है, क्योंकि जितने विश्वासी अपने शरीर के अनुसार चलते हैं वो कभी भी परमेश्वर के ब्लड लाइन में नहीं जुड़ सकते। आज भी अगर चर्च में लोग बैठे हैं तो सारे जीसस क्राइस्ट के ब्लड लाइन में नहीं है, क्योंकि हर एक जन जो आत्मा के अनुसार नहीं चलता बाइबल के मुताबिक वो परमेश्वर के ब्लड लाइन में जुड़ा नहीं हुआ। जो शरीर के अनुसार चला कौन? इसहाक का बेटा बड़ा एसाव शरीर के अनुसार चला, परमेश्वर ने अपने ब्लड लाइन से बाहर किया। आज चर्च में लोग बैठे हैं, है तो जीसस क्राइस्ट के संतान, उनका दादाजी बिशप हैं, उनका पापा चाचा पास्टर हैं, खुद 20 साल से क्रिश्चियन हैं, लेकिन अगर शरीर के अनुसार चल रहे हैं तो मेरा यकीन रखना परमेश्वर आपको अपने वंश में नहीं गिनता। आप क्रिश्चियन नहीं है बाइबल के मुताबिक। उसने कहा इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, एसाव का नाम तक नहीं लिया, क्योंकि परमेश्वर उसको जानता नहीं। बाइबल कहती है अगर शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे। आज परमेश्वर किनका ध्यान रखता है? जो आत्मा के अनुसार चलते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा आत्मा के अनुसार चलोगे तो जियोगे। कहां पर जियोगे? अपने फाइनेंस में, अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में, अपनी आत्मिक जिंदगी में, अपने घराने में, अपनी मैरिड लाइफ में, अपनी सेवकाई में, तुम सब जगह जियोगे, तुम मरोगे नहीं अगर तुम आत्मा के अनुसार चलोगे। अगर शरीर के अनुसार चलोगे तो मर जाओगे। तुम शरीर में तो जीवित हो सकते हो पर मरे हुए होगे फाइनेंस में, अपने सेहत में, अपने परिवार में, अपनी रिलेशनशिप में, अपनी आत्मिक लाइफ में, अपनी सेवकाई में। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो जितने शरीर के अनुसार चलते हैं वो उसके वंश के नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने लिखा है इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ। ऊंची आवाज में आमीन बोलो, ऊंची आवाज में आमीन बोलो। हालेलुया, हालेलुया। हमें यह देखना है कि हम शरीर के अनुसार चल रहे हैं कि नहीं। एसाव शरीर के सामने झुका, भूख बर्दाश्त नहीं हुई। कुछ लोग झुक जाते हैं व्यभिचार के सामने कि व्यभिचार का अटैक बर्दाश्त नहीं हुआ जी, हमने कुछ देख लिया, हमने कुछ कर लिया। आप यीशु मसीह के वंशावली में नहीं हैं। अगर आप उसकी वंशावली में रहना चाहते हैं, उसकी ग्रेस के नीचे रहना चाहते हैं, आपको यह मालूम होना चाहिए कि जो शरीर के सामने झुक देंगे, झुक जाएंगे, अपने आप को झुका देंगे, वो परमेश्वर की वंशावली के नहीं है। वो शरीर के अनुसार चलने वाले हैं और वो जीवन उनके अंदर नहीं है। आप शरीर के सामने झुक गए, चोरी शरीर का काम है, विरोध, फूट, विधर्म, जादू, टोना, मूर्ति पूजा, कलेश शरीर का काम है, चोरी व्यभिचार शरीर का काम है, ईर्ष्या शरीर का काम है। तो परमेश्वर ने कहा जो शरीर के काम के नीचे हैं वो वंशावली के नहीं हैं। इसलिए आप परमेश्वर के कई लोगों को देखते हो कि खुदा से प्रार्थना करते हैं लेकिन उनको मिल नहीं रहा। वो चाहते कुछ हैं, होता कुछ है, क्योंकि बाइबल कहती है जब आप शरीर के सामने झुक जाएंगे, अपनी आत्मा से शरीर के अंगों को नहीं मारेंगे, अपनी आत्मा से शरीर की क्रियाओं को नहीं मारेंगे, तो बाइबल कहती है आप में परमेश्वर का जीवन फिर नहीं है। यहूदा और तमार से फिरिस और जोहरा उत्पन्न हुए। इसका भेद मैं आपको रोज की रोटी जो रोज आप सुनते हो 1 बजे उसमें दिया हुआ, आप उसको उसमें सुनना। फिरिस से हिस्रोन उत्पन्न हुआ, हिस्रोन से एराम उत्पन्न हुआ, एराम से अमीनादाब, अमीनादाब से नशोन, नशोन से सलमोन, सलमोन और राहब से बोज उत्पन्न हुआ। कौन था बोज? एक धर्मी इंसान, एक पवित्र इंसान। बोज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ। कौन थी रूत? एक ऐसी औरत जो अन्य जाति थी, परमेश्वर को नहीं जानती थी, जिसका क्रिश्चियन एक यहूदी लड़के के साथ मैरिज हो गई लेकिन वो परमेश्वर में सही नहीं था और बाइबल कहती वो मर गया। उसका बाप भी मर गया, उसका भाई भी मर गया। अब नियोमी जो उसकी सास अकेली रह गई, उसने कहा बेटा वापिस चली जा, तेरी जेठानी वापिस चली गई। रूत ये बात जानती थी वापिस चली जाऊंगी, पति भी मिल जाएगा, आशीष भी मिल जाएगी, सुख भी मिल जाएंगे, पैसा भी मिल जाएगा, लेकिन
उस देश में परमेश्वर यहोवा की आराधना करने वाले लोग नहीं थे। तो क्या किया रूत ने? रूत ने फैसला किया कि वो शरीर के सामने नहीं झुकेगी, वो अपने शरीर की क्रियाओं को पूरा करने का प्रयास नहीं करेगी, बल्कि दुख उठाते हुए भी वो परमेश्वर की महिमा करेगी, दुख उठाते हुए भी परमेश्वर में ही रहेगी। और बाइबल कहती है रूत ने अपनी बूढ़ी सास के साथ रहने का फैसला किया, क्योंकि उसकी सास के साथ रहने से परमेश्वर यहोवा की आराधना करना उसे नसीब होता। तो क्या हुआ? परमेश्वर ने बोअज नामक एक धर्मी पुरुष को भेजा, रूत के साथ उसकी शादी हुई। और अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो रूत से ओबेद, ओबेद से यशे, और यशे से दाऊद उत्पन्न हुआ। यानी रूत जो थी वो दाऊद की पड़दादी बनी। बाइबल के मुताबिक रूत के वंश से ही जीसस क्राइस्ट पैदा हुए, क्योंकि दाऊद के वंश से यीशु मसीह पैदा हुए। एक स्टेप लिया कि मैं शरीर के कामों को सेटिस्फाइड नहीं करूंगी, मैं शरीर के पीछे नहीं चलूंगी, मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगी। परमेश्वर की ब्लड लाइन में शामिल हुई, ग्लोरियस जीवन जिया, जो कुछ खोया था सारा कुछ वापिस पाया। आज मैं आपके लिए भविष्यवाणी करता हूं यीशु मसीह के नाम में, जितने लोग आज फैसला करेंगे शरीर के अनुसार नहीं चलने का, मैं आपकी लाइफ पर प्रोफेसी करता हूं, इन 6 महीनों में, 6 मंथ के अंदर आप सारी चीजों जो शैतान ने छीनी वापिस आता हुआ देखेंगे। 7 बार हालेलुया चाहिए मेरे को, ये बात भी हालेलुया। बाइबल कहती उसने कहा मैं शरीर के अनुसार नहीं चलूंगी। ये सारा खेल, पूरी क्रिश्चियनिटी इस बात पे टिकी है कि आप शरीर के सामने घुटने टेकते हैं या आप पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं। अगर आप शरीर के सामने घुटने टेकते हैं तो बाइबल कहती है आप परमेश्वर की सुरक्षा के नीचे फिर नहीं हैं। कोई भी जन जिसने शरीर के सामने घुटनों को टेका है उसने मौत को देखा है। आप जानते हैं 3 आयत जो मैंने आपको बोला है रोज की रोटी में पढ़ना, यहूदा और तमार से फिरिस और जोहरा उत्पन्न हुए। आप जानते हैं यहूदा वही था जो 11 भाइयों में था जिसने यूसुफ को बेच दिया था। यहूदा उन्हीं 11 में से था। एक भी जन ने विरोध नहीं किया, सब इकट्ठे हो गए, चोर चोर सब इकट्ठे हो गए। हां, और यहूदा को यूसुफ को बेच दिया, यहूदा भी उनमें था। आप जानते हैं यूसुफ को पहले मारने के लिए गड्ढे में डाल दिया गया, उसके बाद इश्माइलियों के हाथ में बेचकर मिस्र में भेज दिया गया। इसके बाद वो शरीर के सामने झुके। क्या थी शारीरिकता? उन्हें जेलसी थी अपने भाई से। यूसुफ को दर्शन आते थे, वो बताता था कि तुम सब मेरे सामने झुकोगे। उसे विजन आते थे कि वो खेत में काम कर रहा है और 11 पूले उसके सामने झुक गए और वो खड़ा रहा, सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे उसे दंडवत कर रहे हैं। और उसका पिता उसको डांटता था कि ऐसा दर्शन मत सुनाया कर, तेरे भाई तुझसे बैर करेंगे। और बाइबल कहती है उसके भाई उससे नफरत करते थे, उससे ईर्ष्या करते थे, जेलसी करते थे। उसके पिता ने उसको रंग बिरंगा अंगरखा दिया हुआ था, कोट दिया हुआ था, उसको ज्यादा प्यार करता था। यूसुफ अपने भाइयों की कमियां फादर को बताता था, छुपाता नहीं था, एक दूसरे के साथ इतनी बनी बनाई नहीं थी कि पाप देख कर भी वो चुप रहे। और बाकी सब ऐसे ही थे। जब यूसुफ को बेच दिया गया बाइबल कहती है तो कर्स सबकी लाइफ में एंटर हुआ। यहूदा की लाइफ में क्या कर्स आया? बाइबल कहती है वो उस संगति को छोड़ के, अपने भाइयों को छोड़ के दूसरे देश में चला गया। जब दूसरे देश में चला गया तो अन्य जाति लड़की से शादी हो गई। जब अन्य जाति लड़की से शादी हुई तो जितने बच्चे पैदा हुए वो सारे, जब एक माँ जो है अन्य जाति की होती है, एक माँ जब परमेश्वर में नहीं होती तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं उनकी परवरिश कैसी हुई होगी। तो जब परवरिश हुई वो यहोवा को नहीं जानते थे, और बाइबल कहती है यहोवा ने उसके बड़े बेटे और छोटे बेटे दोनों को मार दिया। रीजन क्या? परवरिश अच्छी नहीं थी, यहोवा को जानते नहीं थे। जानते क्यों नहीं थे? क्योंकि अन्य जाति लड़की से शादी की जो परमेश्वर को जानती नहीं थी, उसकी परवरिश उसी तरह से हुई थी जैसे लोगों की होती है। अन्य जाति से शादी क्यों हुई? क्योंकि घर से यहूदा अलग हो गया था। अलग क्यों हुआ? यूसुफ को बेच दिया था। एक शरीर के काम ने कितना लंबा सफर करवाया उनको, एक शरीर का काम यहूदा ने किया, कितना लंबा उसको सफर करना पड़ा, कितनी लंबी उसको यातना झेलनी पड़ी, कितना लंबा उसको सफर देखना पड़ा, जहां उसके 2 बच्चों की, उसकी वाइफ की डेथ हुई, उसके बाद परमेश्वर ने फिर उसको अपनाया।
कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? पूरी बाइबल इस बात से भरी पड़ी है। उसने कहा अगर तुम शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे। हमने क्या देखा? यहूदा शरीर के अनुसार चला, अपने भाई को बेच दिया। और यहूदा और तमार से फिरिस, तमार उसकी पहली पत्नी नहीं थी, पहली पत्नी मर गई थी। रोज की रोटी में सुनना, मैंने भेदों को बताया है कि जब आप शरीर के अनुसार चलते हैं फिर आप लंबी दौड़ में दौड़ने लगते हैं, और वो दौड़ परमेश्वर की ओर से नहीं होती। आप एक ऐसी दौड़ में दौड़ने लगते हैं जहां आप थक जाएंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे, जहां चीजें फिर आपके हिसाब से नहीं चलेंगी। पहले पहले आपको अच्छा लग सकता है, लेकिन याद रखो जब दो लाइनें सीधी जाती जा रही हैं ऊपर और एक हल्की टेढ़ी हो जाए, तो अभी तो इनमें गैप नहीं है, लेकिन एक समय आएगा जब गैप बढ़ जाएगा, एक समय आएगा जब ये दूर हो जाएगी। जो लोग परमेश्वर से हट जाते हैं तभी उनको ताजा ताजा मालूम नहीं होता। एक अंगीठी में से कोयला निकाल के साइड पर रख दो, उसे कभी मालूम नहीं होगा कि मैं ठंडा हो रहा हूं। उसे लगता है अभी मैं गर्म ही हूं, मैं तो गर्म ही हूं, मैं तो कोयला हूं, मैं तो फलाना हूं। लेकिन एक समय आएगा जब कोयला ठंडा हो जाएगा, क्योंकि अंगीठी से बाहर रहकर वो गर्म नहीं रह सकता। पूरी बाइबल भरी पड़ी है कि आप शरीर के अनुसार चलना चाहते हैं तो उसका क्या असर आपकी लाइफ पे होगा। रूथ शरीर के अनुसार नहीं चली, जवान औरत थी, यंग लेडी थी वो। उसकी सास ने बोला वापिस जा पति कर, मेरे कोई बच्चा नहीं है कि मैं तुझे अपना एक नया बच्चा दे दूं, तो पति कर ले उसे। मेरे पास ना तो पैसा है ना तो बेटा है, मेरे पास दुख ही दुख है, बेटा वापिस चली जा। उसे मालूम था वापिस तो चली जाऊंगी, पति भी कर लूंगी, लेकिन यहोवा परमेश्वर वहां नहीं मिलेगा। उसे मालूम था ये शरीर का काम है और मुझे शरीर को फॉलो नहीं करना। एज ए क्रिश्चियन आपको शरीर को फॉलो नहीं करना, आंखों को फॉलो नहीं करना, डिजायर्स को फॉलो नहीं करना, इच्छाओं की पूर्ति जो शारीरिक है उन्हें पूरा नहीं करना, क्योंकि फिर आप एक लंबी दौड़ में निकल जाएंगे और वो दौड़ परमेश्वर की ओर से नहीं होगी। वो दौड़ आपने खुद चुनी है, वो दौड़ शैतान की वजह से आपकी लाइफ में आई है, क्योंकि आपने शैतान की बातों को सुना है। आपको उस दौड़ में नहीं दौड़ना है, परमेश्वर ने आपके लिए बेस्ट चीजों को रखा हुआ है। बाइबल कहती है अपने भविष्यद्वक्ताओं को, अपने प्रेरितों को जो तुम्हारे सामने हैं, उनकी गवाही को ध्यान से देखो और समझो और फॉलो करो। और यही मूर्खता की थी दाऊद के बड़े भाइयों ने। यीशु से दाऊद उत्पन्न हुआ, दाऊद से सुलेमान उत्पन्न हुआ, और किस स्त्री से जो पहले उरिया की पत्नी थी। वो क्यों? यीशु से दाऊद क्यों लिखा? यीशु से अमीना, यीशु से अलीशाब क्यों नहीं लिखा? यीशु के और भी बेटे थे, राजा की सेना में थे, बड़ी अच्छी पोस्ट के ऊपर थे, तो उनसे वंश क्यों नहीं चला? क्योंकि बाइबल कहती है जब शमूएल नबी उनके घर में मसा करने के लिए आया तो शमूएल ने कहा जाओ अपने बेटों को बुला के लेके आओ। पहला आया, परमेश्वर ने कहा मैंने इसे नहीं चुना, मैं इसे अयोग्य करार करता हूं। आप किसी को अयोग्य करार नहीं करते जब तक आप उसका पेपर नहीं लेते। आपका टीचर नहीं बोलता आप फेल हो गए जब तक आपका टेस्ट नहीं लेता। इसका मतलब दाऊद के सब बड़े भाइयों का टेस्ट हुआ और वो अपने टेस्ट में फेल हो गए। उसका कारण व्यभिचार हो सकता है, चोरी हो सकता है, प्रार्थना ना करना हो सकता है, बाल को पूजना हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बाइबल कहती वो शरीर के अनुसार चले और परमेश्वर ने अपनी ब्लड लाइन में शामिल नहीं किया। दाऊद उत्पन्न हुआ क्योंकि दाऊद आत्मिक था। सुलेमान उत्पन्न हुआ क्योंकि दाऊद के सब बड़े बच्चे जो थे, दाऊद का बड़ा बेटा, दाऊद के जो सबसे बड़े बेटे थे वो रानियों के बेटे थे। कौन सी रानी? शाऊल की बेटी। और भी रानियों के बेटे उसके पास थे। उनकी जो माएं थी वो राजाओं की पुत्रियां थी। तो कौन अगला राजा बनना चाहिए था? एक परिवार में उसकी कई पत्नियां थी, तो कई पत्नियां राजकुमारियां थी। उनके बाप राजा थे, तो एक्सपीरियंस के हिसाब से तो उसे राजा बनना चाहिए जिसका नाना भी राजा है, जिसका बाप भी राजा है, माँ राजकुमारी है। कितना एक्सपीरियंस उठने बैठने का, कितना उसको एक्सपीरियंस होगा। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर ने उनको राजा नहीं बनाया, सुलेमान को बनाया। सुलेमान को क्यों बनाया? क्योंकि बाइबल कहती है दाऊद की सब गवाहियों को सुलेमान ने बड़े ध्यान से फॉलो किया। उसने दाऊद की सब टेस्टिमनीज को फॉलो किया। उसने दाऊद के द्वारा सारे कामों को, जो दाऊद 7 बार दिन में स्तुति करता था,
परमेश्वर में खड़ा रहता था, पाप में नहीं रहता था, अपने गिफ्ट पे घमंड नहीं करता था कि मैं राजे का धोता हूं, मैं राजकुमारी का बेटा हूं, मेरा बाप दाऊद राजा है तो मैं ही राजा बनूंगा। लेकिन सुलेमान ये जानता था ना बल से ना शक्ति से, बल्कि उसकी आत्मा के द्वारा। आज सेवकाई में अगर आप देखेंगे कौन लोग कामयाब हैं, वो लोग नहीं जो गिफ्टेड हैं, जो प्रोफेशनल हैं, जिनको काम करना आता है, वो लोग कामयाब हैं जो पवित्र आत्मा से चलते हैं, अपने दासों की बात को सुनकर रिस्पॉन्ड करते हैं, उनके अधीन रहते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा दिए गए कामों को करते हैं। मिनिस्ट्री में अगर आप देखेंगे वो कामयाब आपको मिलेंगे। मोस्टली क्रिश्चियन बहुत पढ़े लिखे आपको मिलेंगे, लेकिन सेवकाई में कामयाब कहीं नहीं मिलेंगे। रीजन, सेवकाई में कामयाबी आपके एक्सपीरियंस से नहीं आती, आपकी ओबीडियंस से, आपकी आत्मिकता से आती है, आत्मा के अनुसार चलने से आती है। जोर से हालेलुया बोलो एक बार फिर से। अब यहां भी उन लोगों को पीछे छोड़ दिया गया जो शरीर के अनुसार चले। दाऊद के बड़े बेटे शरीर के अनुसार चले, पीछे छोड़ दिए गए। सुलेमान शरीर के अनुसार चला, आत्मा के अनुसार चला और शरीर के अनुसार नहीं चला, तो बाइबल कहती ब्लड लाइन में शामिल हुआ। मैं फिर आपसे कहता हूं, कौन आज इस जीसस क्राइस्ट का रियल वंश है? आप में बैठे 50% लोग जीसस क्राइस्ट के रियल वंश होंगे, बाकी 50% अगर शरीर के अनुसार चल रहे हैं तो नाम पीटर जॉन हो सकता है, चर्च में 7 साल से हो सकता आ रहे हो, लेकिन परमेश्वर आपको अपने वंश में नहीं गिनता, और ये रियलिटी है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आगे बढ़ेंगे। आसा से यहोशाफात उत्पन्न हुआ, यहोशाफात से योराम उत्पन्न हुआ, योराम से उज्जिया, उज्जिया से योताम, योताम से अहाज, अहाज से हिजकिया, हिजकिया से मनश्शा उत्पन्न हुआ। हिजकिया कौन था मालूम है? वही जिसको परमेश्वर ने कहा था तेरी उम्र खत्म हो गई, तुझे जो बीमारी है ये मौत के लिए है, अपने घराने को आज्ञा दे, उसके बाद मेरे पास आ जा। बाइबल कहती है उसने दीवार की ओर मुंह फेर कर परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु मैं सही तरह से तन मन से तेरे साथ चलता आया हूं और मैं अभी मरना नहीं चाहता। तो वचन कहता है परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना, उसके रिकॉर्ड को चेक किया। आपका पास रिकॉर्ड क्या है मायने रखता है। एक कंपनी में दो जने गलती करें, दोनों को सजा अलग अलग हो सकती है, क्योंकि दोनों का पास रिकॉर्ड मायने करता है। एक ने कभी गलती नहीं की और बॉस के साथ सदा वफादार रहा है, और दूसरा हमेशा गलतियां करता रहा है। जो सदा गलतियां करता रहा है, हो सकता है उस गलती की वजह से वो सस्पेंड हो जाए, लेकिन जो पहली बार गलती की है उसे माफी मिल जाए। अपना रिकॉर्ड सेट करो। क्या बोलेंगे परमेश्वर को, इमरजेंसी के दिन के टाइम कितनी सिगरेट पी है, कितनी ब्लू फिल्में देखी हैं, कितने पाप किए हैं? क्या बोलेंगे परमेश्वर को जब इमरजेंसी का टाइम आता है? फिर आपको परमेश्वर को बोलना होता है, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन, क्योंकि बाइबल कहती है संकट के दिन मुझे पुकार तो मैं तुझे उत्तर दूंगा। लेकिन कौन पुकारेगा परमेश्वर को? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वही सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आमेन। बैठे रहने का मतलब जो स्थान खुदा ने आपको दिया है विश्वासी होने का, उसे छोड़ना नहीं है, उसे पकड़े रखना है और विश्वासी बने रहना है। आमेन। हिजकिया को परमेश्वर ने आज्ञा दी, परमेश्वर ने 15 साल उम्र बढ़ा दी, और बाइबल कहती है हिजकिया से मनश्शे उत्पन्न हुआ। अगर आप बाइबल की स्टोरीज को ध्यान से पढ़ेंगे तो बाइबल में मनश्शे जो है, ये वाला मनश्शे, वो याकूब का बेटा मनश्शे नहीं, बाइबल का सबसे करप्ट राजा आज तक का मनश्शे रहा है, आज तक का मनश्शे। इसने इतने पाप करवाए इसराइलियों से, इतने शरीर के काम करवाए बाइबल कहती है। और दूसरी बात, परमेश्वर जब भी कोई इज़राइल का राजा गुनाह करता था उसको हटा देता था और उसकी जगह एक और राजा आता था, लेकिन बाइबल कहती है मनश्शे ने लंबा राज किया गलत होने के बावजूद भी। कई बार आपको लगता है कि ये बंदा गलत चल रहा है सेवकाई में तो भी फलवंत हो रहा है, ये आदमी गलत चल रहा है तो भी आशीष पा रहा है, लेकिन मनश्शे के टाइम पे परमेश्वर ने यह सोच लिया कि जो भवन मेरा बना है और जे इज़राइल की प्रजा बेबुलीन तुम्हें बंदी बनाएगा, इस भवन को तोड़ देगा और तुम सब लोग अपने राजा के अधीन नहीं, अब दूसरे राजा के अधीन होगे। और बाइबल कहती है इज़राइल की सबसे बड़ी विपत्तियों में से एक विपत्ति मनश्शे के बाद आई जब उसने शरीर के कामों को इज़राइल में करवाया। परमेश्वर हिसाब लेता है,
उसने मनुष्य का हिसाब एकदम से नहीं किया, मनुष्य को एकदम से नहीं हटाया, लेकिन बाइबल कहती है उसके शरीर के कामों का बदला पूरे इसराइल ने चुकाया। अपने पड़ोसी को बोलो, शरीर के काम नहीं करने हैं। व्यभिचार, चोरी, फूट, विधर्म, ईर्ष्या, लड़ाई, झगड़ा, मूर्ति पूजा, जादू, टोना, वैर, विरोध, ये नहीं करना। अगर तू ये कामों को नहीं करेगा, आत्मा के अनुसार चलेगा, तो तू परमेश्वर के ब्लड लाइन में शामिल होगा, वो तेरा ध्यान रखेंगे, जो कुछ तूने खोया है वो तू पाएगा, तू सबसे ऊपर होगा, तू ब्लेस्ड होगा, तू आशीषित होगा, इतनी आशीष होगी रखने की जगह नहीं होगी, तू सिर कहलाएगा पूंछ नहीं। ये वचन आपके लाइफ में पूरे हो इन जीसस ने। कौन था अब्राहम? राजा उससे डरते थे। कौन था इसहाक? राजा उससे डरते थे। बाइबल कहती है उनकी सामर्थ राजाओं से ज्यादा थी, और वही परमेश्वर आपको देना चाहता है। वो आपको प्रभावशाली करना चाहता है, सामर्थी करना चाहता है, चंगा करना चाहता है, ब्लेस्ड करना चाहता है, आपके परिवार को बचता हुआ देखना चाहता है। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। पूरी बाइबल अगर आप पढ़ेंगे आपको यही समझ आएगा कि जो शरीर के कामों में फंसे एक लंबे सफर पर निकल गए जो परमेश्वर की ओर से नहीं था। एक थकाने वाला सफर, एक पहाड़ों वाला सफर होता है जहां आप नजारे लेते हुए जाते हैं, चाय पीते हुए, मैगी खाते हुए पहाड़ों की। हाँ, तो एक सफर होता है जब आप धक्के खाते हुए, आप पसीने में लोटपोट होते हुए, बुखार हो गया जाते हैं, एक वो सफर है। अगर आप धर्मी हैं तो परमेश्वर नजारों के साथ आपको लेके जाएगा। अगर शरीर के अनुसार चलते हैं तो आप सोच लीजिए उन लोगों का क्या हुआ जो शरीर के अनुसार चले। अपने हाथों को उठा, अपने घुटनों पे आ, ऊंची आवाज से बोलो, परमेश्वर मैं तौबा करता हूं, आज से मैं शरीर के अनुसार नहीं आत्मा के अनुसार चलूंगा। ऊंची आवाज में अपने हाथों को उठाते हुए अपने गुनाहों की क्षमा मांगो ऊंची आवाज में। याद रखो, जब भी आप शरीर के अनुसार चलेंगे एक डाउनफॉल आएगा, और जब भी आत्मा के अनुसार चलेंगे आप ऊपर की ओर निकलेंगे। तो आपका ऊपर जाना या नीचे आना आपके हाथ में है, शैतान के या परमेश्वर के हाथ में नहीं। आज से वायदा करेंगे अपने हाथों को उठाकर कि प्रभु आज से मैं शरीर के अनुसार नहीं, मैं आत्मा के अनुसार चलूंगा। ऊंची आवाज परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।